Now coming to our next question number 5, exercise 13.2. See the solution of first part, 2 raised power 5 whole power 2 multiply 7 power 3 divided by 8 power 3 multiply 7. And these are the laws of exponents. We will use these laws to find the solution of given question. Now check. Here we have 2 raised power 5. यहाँ 2 raised की power 5 है, whole का bracket 2. तो इनमें से हमारा कौन सा law applicable है? Now see the third part. A raised power m whole power n. अगर bracket में power है और bracket के बाहर भी है, तो powers multiply होंगे. Same case here. 2 raised power 5 है और bracket के बाहर 2 power है. तो powers multiply होंगी according to this law. तो 5 multiply 2. तो 2 पावर 10 मल्टीप्लाई 7, 7 पावर 3 और यहाँ 7 की पावर कोई नहीं है तो इट मींस 1. डिवीजन है, डिवीजन में हमारा रूल अप्लाई होगा सेकेंड वन कि अगर हमारा डिवीजन है और बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी. तो 7 पावर 3 माइनस 1. नाउ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी. 2 रेज पावर 9 मल्टीप्लाई 7, हम ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर चुके हैं तो देर इज नो नंबर हेयर. नाउ 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 9, ये आपका डिवीजन में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी. तो 2 रेज पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2, तो 7 पावर 2. 10 माइनस 9 1, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फाइनल आंसर यू विल गेट 98.